इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के 41 अराकीन को नोटिफाई करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए तीसरा मुशावरती इजलास बगैर नतीजे के खत्म हो गया। दूसरी जानिब लीगी अराकीन असेंबली ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सरोजई से। इरफान अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन में आज एक इंतहाई अहम मुशावरती इजलास हुआ है जिस हवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 41 अरकान हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े उनको नोटिफाई करें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि इस फैसले का इतलाक सूबों और विफाक दोनों में होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, और उसमें एक जो उन्होंने तोजी पेश की थी कि जितने भी ये अराकीन 41 इन्होंने अपने जो फॉर्म जमा करवाए उसमें जो सियासी पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंशन नहीं किया गया था। इस हवाले से इलेक्शन रूल्स अलाउ नहीं करते क्योंकि इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो आजाद उम्मीदवार का था, तो ये इसमें इबाम पाया जाता है, और यही दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद करें और इसमें कोई इबाम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन गुमगू का शिकार है, और 3 मुशावरती इजलास हो चुके हैं और अभी तक किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए।